गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ आपका भाई हर्ष कहार। आज है फर्स्ट अक्टूबर और अभी हम है वडोदरा बस स्टेशन पे। हम वॉल्वो बस में बैठे हैं। अभी हम वडोदरा से जा रहे हैं अहमदाबाद। बहुत बहुत मस्त एक ट्रिप हमने प्लान की है। मीन्स हम कुछ काम के लिए जा रहे हैं बट बहुत मज़ा आने वाला है। हम वहाँ पर अहमदाबाद भी एक्सप्लोर करेंगे और मुझे पता है कि मैंने बहुत बार आपको अहमदाबाद घुमाया है बट एक और बार सही। और वहाँ पर हम बहुत ही एक स्पेशल रेस्टोरेंट के शूट के लिए जा रहे हैं तो आप वो भी चेकआउट करना, बहुत मज़ा आएगा। और अभी फ्रेंड्स बस चालू ही नहीं हुई है और इसका देखो बालाजी पेपर खाना शुरू हो। बस ट्रैवलिंग में खाना दे दो इनको, बहुत बहुत खाना है। सो फ्रेंड्स अभी हम गीता मंदिर बस स्टॉप पर उतर के वहाँ से हमने कैब की ऊबर से और अभी हम जा रहे हैं हमारा होटल जहाँ पे है। और अहमदाबाद में सही में बड़ौदा से बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम हमारे होटल रूम पर आ चुके हैं और फ्रेंड्स सही में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम यहाँ पे आए होटल रूम में, जब जाके हमको सुकून मिला और आप और देख सकते हो होटल देखो आप कितना सारी थकान ना रूम को देखते उतर गए। सही में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम है। आप देख सकते हो, मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे दूंगा, बहुत बड़ा नहीं है। आप देख सकते हो ये है बेड और बेड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये है हमारा टीवी और वर्किंग डेस्क और यहाँ पर हमारे लिए इन्होंने और हॉट कीटल्स और चाय वगैरह का भी प्रबंध करके रखा है। यहाँ पे टिश्यू पेपर्स है। दिखाती हूँ यहाँ पे हमारा मिरर है। तो यहाँ पे हमारा मिरर है और मैं बहुत ब्लैक दिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा। अरे गर्मी इतनी ज्यादा है तो फिर क्या इंसान काला हो ही जाता है। फ्रेंड्स अभी हम होटल से निकलकर अच्छा मतलब होटल का जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर ही हमने लंच भी किया और फिर वहाँ से निकलकर हम हिमराज की फ्रेंड है फाल्गुनी उनके घर गए थे और वहाँ पे अच्छा मतलब उनसे मिले और फिर उनके मतलब उनकी भी शादी हो चुकी है तो उनके हस्बैंड के साथ हम पहली बार मिले और उनकी टू व्हीलर लेकर ही हम अभी घूमने निकले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं काकरिया लेक, अंदर पार्किंग कर दिया है, अब हम जा रहे हैं अंदर। और बहुत ही ज़्यादा रश दिख रहा है मुझे यहाँ से क्योंकि आज संडे है और पता नहीं कैसा डिसीजन हो सकता है आज आने का। तो चलो देखते हैं अंदर, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ें हम बहुत तो नहीं देखने वाले क्योंकि और भी दो तीन जगह हमको घूमनी है। बहुत ही गंदा वाला हमारा कट चुका है, मतलब हमने खुद नहीं कटवा लिया क्योंकि फ्रेंड अभी मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया पीछे टिकट की काउंटर है, यहाँ काकरिया लेक की एंट्री टिकट है, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, ऑलमोस्ट 50-60 लोग खड़े हैं। तो मतलब आधा घंटा तो वहीं निकल जाएगा हमारा और अभी शाम के 5 बजने आए तो हमको और दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। टू व्हीलर पर अहमदाबाद के लोकल जैसा घूम रहे हैं और सही में कैब्स वगैरह करता इस तरह से टू व्हीलर पे सिटी एक्सप्लोर करने के मज़े ही कुछ और है। आप पूरी तरह से सारी चीज़ें देख सकते हो और अपने हिसाब से घूम सकते हो। अभी हम लाल दरवाजा मार्केट में आए हैं और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और ये अभी हेमरा थोड़ी नवरात्रि की शॉपिंग भी कर रही है। अभी हमने यहाँ पर जो लाल दरवाज़ा मार्केट है जो नवरात्रि का स्पेशल मार्केट है, यहाँ पर नवरात्रि के आपको ज्वेलरी होती है फिर चोली वगैरह जो कुछ भी लेनी हो आप यहाँ पे आ सकते हो। गुजरात का सबसे फेमस मार्केट है और वहाँ से इमराज ने बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली। देखो जूते इयररिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा शॉप किया है और यहाँ पर क्राउड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि अभी नवरात्रि नज़दीक में है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अल्फा वन मॉल, तो चलो अब मैं आगे आपको वो एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम अहमदाबाद का सबसे फेमस मॉल अल्फा वन मॉल में आ चुके हैं और फ्रेंड्स सही में बहुत ही बढ़िया मॉल है।
बट ये थोड़ा पुराना है और इसका सेकंड पार्ट भी ओपन हुआ जो मैंने आपको आगे सिनेमेटिक शॉट्स में दिखाया जहाँ पर H&M वगैरह है। और सही में यहाँ पर कपड़ों का कलेक्शन, ब्रांड्स का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और एज़ कम्पेयर टू पैलेडियम मॉल ये दोनों सेम ही है, बट उसका इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ का भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको दोनों ही रेकमेंड करूँगा कि हमने पैलेडियम मॉल पर भी एक वीडियो बनाई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। Two hours later. ये है अहमदाबाद की सबसे फेमस जगह फूड मार्केट मानेक चौक, आप इसको खाओ गली कह सकते हो। मानेक चौक यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट वेराइटीज का फूड देखने को मिलेगा पूरी रात। और सही में यहाँ पे आज संडे है, बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे। दिन में गोल्ड की शॉप्स वगैरह मार्केट लगता है और रात को खाने पीने का मार्केट लगता है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी वैरायटीज़ के डिफरेंट फूड स्टॉल्स है। और आप पब्लिक देखिए, आज संडे है और ये पूरा मार्केट अंदर तक कंटिन्यू होता है और बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। आप जहाँ पर भी देखो खाने के लिए पब्लिक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड है यहाँ पे। अभी हम मानेक चौक से बाहर आ गए हैं, ऑलरेडी हमारा पेट बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था, हमारी हिम्मत नहीं है कुछ वहाँ पर खाने की और भीड़ इतना ज़्यादा है, वेटिंग इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी आज संडे है और गर्मी भी बहुत, और ऊपर से संडे है तो सभी जगह पे हमको बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिली। बट हमने वहाँ पर वो जो फैट बॉय में इतना ज़्यादा खा लिया तो यहाँ पे खाने की कोई हिम्मत नहीं थी। बट फ्यूचर में हम स्पेशली आपके लिए मानेक चौक का अलग से ब्लॉग लेकर आएंगे। और सही में बहुत अच्छी हैपनिंग प्लेस ही, मैंने आपको थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स एन्जॉय कराए। सो अभी हम चलते हैं फिर से हमारे होटल पर और फिर देखते हैं कल सुबह कुछ आपको ऐसा होगा तो मैं काकरिया लेक और रिवर फ्रंट मॉर्निंग में एक्सप्लोर करवाऊँगा। पर पर 30 मिनट से यहाँ पर 50 रुपीज़ चार्ज होता है पर पर्सन। सो अभी हमने यहाँ मेरी और हिमराज की दोनों ली है, तो चलो बाइक राइड।